किस तरह से हमारे पास रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल को हम इंक्रीमेंटली डेवलप कर सकते हैं, उसमें हमने देखा कि किस तरह से हम RDT प्रोटोकॉल 1.0 से 3.0 तक पहुंचे। लेकिन जब हम 3.0 पे पहुंचे तो हमने कहा कि अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो RDT प्रोटोकॉल है ये चूंकि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो होगी, ठीक है, बहुत लो परफॉर्मेंस है। उसकी एग्जांपल हमने देखी कि अगर हमारा 1 GB लिंक है तो उसके ऊपर हमारे पास जो इफेक्टिव थ्रूपुट बनेगी वो तकरीबन 267 KB/s बनेगी, विच इज क्वाइट लो एज कम्पेयर टू टूडेज हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क। तो उसके लिए हमने कहा कि हमारे पास कोई सोल्यूशन होना चाहिए कि हम कोई ऐसा प्रोटोकॉल डिजाइन करें जो कि हमारे पास इस प्रॉब्लम को, जो परफॉर्मेंस प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर सके। सो राइट नाउ जब हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल बेसिकली हम अगर पिक्टोरियल फॉर्म में देखें इसे तो क्या है कि एट ए टाइम आपका जो लिंक है उस पे एक पैकेट ट्रैवल कर रहा है, जब तक वो पैकेट एक्नॉलेज नहीं हो जाएगा या नेगेटिव एक्नॉलेज नहीं हो जाएगा नेक्स्ट पैकेट ट्रैवल नहीं कर सकता। आपका जो सेंडर है वो वेट मोड में है, स्टॉप है फिलहाल, वो वेट कर रहा है कि उसे एक्नॉलेजमेंट या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिले ताकि वो डेटा सेंड कर सके। तो अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें तो अगर आपके पास एक रोड अवेलेबल है और आप कहें कि आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी बंदे को भेजना और आप एट अ टाइम सिर्फ एक बंदे को भेजेंगे तो आपका टाइम ओवरऑल अगर 10 लोगों को आपने एक जो बिल्डिंग है उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना है और शर्त ये है कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही बंदा रास्ते पे चलेगा तो ऑब्वियसली 10 बंदों को ट्रांसफर करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। बजाय इसके अगर आप एक और अप्रोच अपनाएं और आप कहते हैं कि हम 3-3 बंदों को इकट्ठा सेंड करते हैं या इकट्ठा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने की इजाजत है तो उस नतीजे में आपका जो ओवरऑल जो 10 का ग्रुप है उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में टाइम कम कंज्यूम होगा। तो हमारे पास जो पाइपलाइन प्रोटोकॉल है उनका डिजाइन भी इसी मॉडल पे है कि बजाय इसके कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक पैकेट सेंड करें, आप अपने लिंक की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक विंडो सेट कर रहे हैं कि आप एट अ टाइम बजाय इसके कि एक पैकेट सेंड करने की बजाय लेट्स सपोज हम कहते हैं 3 पैकेट एट अ टाइम सेंड कर देंगे। वेट तो हमने 1 RTT करना ही करना है, ठीक है, 1 round trip टाइम तो आपको वेट करना ही पड़ेगा ना ताकि आपको उसकी उसका रिप्लाई मिल जाए। तो हम कहते हैं कि 3 पैकेट सेंड कर देते हैं, जब वो रिसीव हो जाएंगे तो 1 RTT पे ही उनका रिस्पॉन्स भी आ जाएगा, इन टर्न आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 3 times बढ़ जाएगी। तो कैसे ही हम अचीव करते हैं हम देखते हैं अपने पाइपलाइन प्रोटोकॉल्स में। सो पाइपलाइनिंग बेसिकली है क्या कि सेंडर को अलाउ किया जाता है कि वो मल्टीपल इन फ्लाइट येट टू बी एक्नॉलेज पैकेट सेंड कर सकता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है इन फ्लाइट एंड येट टू बी एक्नॉलेज पैकेट, इसका मतलब ये है कि फ्लाइट में एक से ज्यादा पैकेट्स मौजूद होंगे लेकिन उन पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट अभी नहीं मिली होगी, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट उन्हीं की मिलेगी जो रिसीव होंगे। रेंज ऑफ द सीक्वेंस, अब जब हम बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा पैकेट ट्रैवल कर सकते हैं, जब हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो वहां हमने एक्सप्लिसिटली डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सीक्वेंस नंबर्स हैं क्योंकि एट अ टाइम सिर्फ एक ही पैकेट ट्रैवल कर रहा है तो हम एक बिट सीक्वेंस नंबर से काम चला सकते हैं, वो हमारा या तो सीक्वेंस नंबर 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। लेकिन अब हम मल्टीपल इन फ्लाइट पैकेट की बात करते हैं तो 0, 1 और फिर 0 की बात अगर हम करें तो यहाँ पे पैकेट 2 पैकेट का सेम सीक्वेंस नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें मोर देन 2 sequence numbers की जरूरत पड़ेगी, मतलब 0 और 1 की बजाय हमें k bit sequence number की जरूरत पड़ सकती है। अब k could be 2, 3, 4 कुछ भी bits हो सकती हैं। सो रेंज ऑफ सीक्वेंस नंबर मस्ट बी इंक्रीज ताकि आपका जो पैकेट है वो ज्यादा ट्रेवल कर सके। और दूसरा, आपको सेंडर और रिसीवर साइड पे बफर करने की कैपेसिटी चाहिए, बनानी पड़ेगी। सेंडर साइड पे तो हमारे पास ऑलरेडी समहाउ बफरिंग कैपेसिटी होती है, रिसीविंग साइड पे भी आपको बफर करने की कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ेगी। सो हमारे पास दो, अगर इस पिक्चर को देखें, ये हमारे पास पहली पिक्चर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की और दूसरी पिक्चर हमारे पास पाइपलाइन प्रोटोकॉल की है। तो स्टॉप एंड वेट में एट अ टाइम आपके लिंक पे बस एक पैकेट ट्रैवल कर रहा है, जबकि स्टॉप जो आपका पाइपलाइन प्रोटोकॉल है इसके अंदर एट अ टाइम आपके पास मल्टीपल पैकेट इन फ्लाइट है। दैट मीन्स पाइपलाइन में एक तो डेस्टिनेशन पर रिसीव होगा, बाकी पाइपलाइन में और पैकेट्स भी मौजूद हैं। तो आपके जो रिसीवर है और सेंडर है इनको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा जितना कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स में करना पड़ता है।
तो दो जो आपके पास जेनेरिक पाइपलाइन प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, एक को हम कहते हैं गो बैक एन और दूसरे को हम कहते हैं सेलेक्टिव रिपीट। अगर इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम GBN भी कहते हैं इनको, गो बैक एन को हम GBN भी कहते हैं और सेलेक्टिव रिपीट को हम SRB कहते हैं। दोनों का मतलब यही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास दोनों प्रोटोकॉल्स का कंपैरिजन करके अगर देखा जाए तो क्या डिफरेंस है दोनों में, और फिर इनकी वर्किंग को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग पाइपलाइन प्रोटोकॉल्स गो बैक एंड एंड सेलेक्टिव रिपीट, हम इसकी यूटिलाइजेशन जो हमने बात की है कि लिंक यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी, उसको एक पिक्चर की फॉर्म में देख भी लेते हैं। इससे पहले हम कह रहे थे कि हमारे पास जो एक पैकेट है वो कंप्लीटली ट्रांसफर होगा, वन RTT वेट करेगा तो अगला पैकेट जो है वो हम ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जीरो से L/R तक वेट किया, पहला पैकेट ट्रांसमिट हो गया, दूसरा पैकेट ट्रांसमिट करने के लिए हमें दोबारा L/R वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तीसरा पैकेट ट्रांसफर करने के लिए हमें दोबारा L/R वेट करना पड़ेगा। तो टोटल हमारा जो वेट है या जो ट्रांसमिशन टाइम है वो कितना बन जाएगा, 3 L/R, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम है, प्रोपगेशन डिले तो जाहिर सी बात है उतना ही होगा तीनों का, और उसके बाद 1 RTT वेट करने के बाद पहला, दूसरा और तीसरा रिप्लाई हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो डिले यहाँ पे था, जो ट्रांसमिशन डिले है वो मिनिमाइज हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 3 L/R। तो हमारे पास जो यूटिलाइजेशन है चैनल की, इट बिकम 3 times more than the performance of RDT 3.0, 3 packet pipeline increase the utilization by a factor of 3, ठीक है। तो जब आप 3 packet at a time send कर रहे हैं तो आपके जो utilization है link capacity की वो भी 3 times increase हो गई है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से go back end और selective repeat आपस में differentiate करते हैं, क्या कौन कौन से वो points है जिन पे हम इनको differentiate करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि sender can have up to n number of unacknowledged packets in the pipeline. So n could be 2, could be 3, could be 4, depending on आपके link की capacity कि आपका कितने number of unacknowledged packets at a time आपके link में मौजूद हो सकते हैं। Receiver only send cumulative acknowledgement. As the name suggests, cumulative acknowledgement का क्या मतलब है कि इकट्ठी acknowledgement भेजी जाएगी, does not acknowledge packets if there is a gap. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, cumulative acknowledgement का मतलब क्या है कि अगर आपके पास पैकेट आपने सेंड किया 0 packet विद सीक्वेंस नंबर 0, 1, 2 and 3 और रास्ते में आपका 0, 1 तो रिसीव हो गया, 2 packet आपका ड्रॉप हो गया, सो आपको एक्नॉलेजमेंट सिर्फ 0 और 1 की ही मिलेगी, 2 और 3 की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी। हालांकि 3 रिसीव हो जाएगा, लेकिन चूंकि 2 दरमियान में ड्रॉप हो गया है तो कंजेक्टिव पैकेट नहीं रिसीव हुए, तो दरमियान में 2 की एक्नॉलेजमेंट भी नहीं रिसीव होगी, 3 की एक्नॉलेजमेंट भी नहीं रिसीव होगी। तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर जो ओल्डेस्ट अनएक्नॉलेज पैकेट है, इस केस में 2 ओल्डेस्ट अनएक्नॉलेज पैकेट है, तो सेंडर जो है वो दोबारा से 2 से ऑनवर्ड जितने भी पैकेट होंगे दोबारा से सेंड करेगा, ठीक है। सेंडर हैज अ टाइमर फॉर द ओल्डेस्ट अनएक्नॉलेज पैकेट, व्हेन द टाइमर एक्सपायर इट रीट्रांसमिट ऑल द अनएक्नॉलेज पैकेट। तो अब 2 का ओल्डेस्ट टाइमर था, जब ये टाइमर एक्सपायर होगा तो 2, 3, 4 इसके बाद जितने भी पैकेट होंगे वो रीट्रांसमिट किए जाएंगे। आप इन ऑर्डर पैकेट रिसीव कर सकते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट रिसीव नहीं कर सकते गो बैक एंड के अंदर। अच्छा, अब पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, गो बैक एंड को कम्प्लीटली डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सेलेक्टिव रिपीट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सेलेक्टिव रिपीट वेरिएट करता है गो बैक एंड से। हम कहते हैं कि गो बैक एंड में सेंडर साइड पे क्या हो रहा होता है कि आपका k बिट सीक्वेंस नंबर होता है पैकेट हेडर के अंदर। k बिट का मतलब क्या हुआ कि k कुड बी 0 बिट 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट। 1 बिट हम इसलिए कह रहे हैं कि 0 और 1 भी हो सकते थे, लेकिन चूंकि हम गो बैक एन की बात कर रहे हैं तो गो बैक एन में 1 बिट से ज्यादा का ही सीक्वेंस नंबर होगा, तो वो सीक्वेंस नंबर आपका पैकेट हेडर के अंदर मौजूद होता है। विंडो बेसिकली क्या है, विंडो आपके पास ये विंडो साइज है, ये बेसिकली वो नंबर है जितने अनएक्नॉलेज पैकेट आप एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। विंडो ऑफ अप टू एन अनएक्नॉलेज कंसेक्यूटिव पैकेट जो कि आपके चैनल पे अलाउ है आपको सेंड करना। सो ये हमारे पास सेंड बेस है, ठीक है, एक वेरिएबल हमने रखा जो हमें बता रहा है कि पैकेट यहाँ से सेंड होना स्टार्ट हुए हैं, और ये नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर का एक पैकेट है, ये वो सीक्वेंस नंबर है जो आपका रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसे अब सेंड करेंगे, ठीक है। सो ये जो ग्रीन पैकेट्स हैं ये हमें रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं कि ये ऑलरेडी एक्नॉलेज पैकेट है,
ये जो येलो पैकेट्स हैं ये भेज दिए गए हैं सेंडर को, लेकिन अभी उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, ठीक है। और ये जो ब्लू पैकेट्स हैं वो बता रहे हैं कि यूजेबल बट नॉट सेंट, तो ये अभी तक जो आपकी विंडो है उसके अंदर इस स्लॉट को यूज कर लिया गया लेकिन अभी सेंड नहीं किया गया, और ये स्लॉट आपकी अभी फ्री है, इसको भी यूटिलाइज नहीं किया गया। सो एक्नॉलेजमेंट क्या है, बेसिकली हमने जब कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट की बात की थी तो आपके पास गो बैक एंड में सेंडर को कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलती है, मे रिसीव डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। जब हम रिसीवर को देखेंगे तो हो सकता है कि हमारे पास डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट भी हमें मिले। टाइमर, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो ओल्डेस्ट इन फ्लाइट पैकेट होगा आपका उसका टाइमर स्टार्ट किया जाएगा, और टाइम आउट किसका होगा, जो आपका पैकेट जिसका सीक्वेंस रीट्रांसमिट पैकेट एन एंड ऑल द हायर सीक्वेंस नंबर पैकेट इन द विंडो, कि जिस पैकेट का जो पैकेट आपको रिसीव नहीं हुआ उस ओल्डेस्ट सीक्वेंस नंबर से लेकर जितने भी हायर सीक्वेंस नंबर होंगे उन सारे ही पैकेट को आपको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, बजाय इसके कि सिर्फ एक पैकेट को आप रीट्रांसमिट करें। सो रिसीवर साइड की अगर हम बात करें तो एक्नॉलेज ओनली का मतलब क्या है, ऑलवेज सेंड एक्नॉलेजमेंट फॉर करेक्टली रिसीव पैकेट विद द हाईएस्ट इन ऑर्डर सीक्वेंस नंबर। सो जब आपको लेट्स सपोज हमने बात की 0 और 1 आपको रिसीव हो गए, 2 रिसीव नहीं हुआ, 3 रिसीव नहीं हुआ, तो आप एक्नॉलेजमेंट किसकी भेजेंगे, 2 रिसीव नहीं हुआ तो यहाँ पे हो जो कंजेक्टिव पैकेट जो आपको इन ऑर्डर रिसीव हुए हैं उसमें हाईएस्ट एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर कौन सा है, 1, तो आप जो एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे वो 1 की भेजेंगे। मे जनरेट डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट ओनली नीड ओनली टू रिमेंबर एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर, तो रिसीवर को और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, रिसीवर को बस ये याद रखना है कि इसे अगला सीक्वेंस नंबर कौन सा चाहिए। जैसे इस केस में अगला सीक्वेंस नंबर इसे 2 चाहिए, तो ये 1 की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो रिसीवर को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि 1 तक रिसीव हो गया, तो अगला सीक्वेंस नंबर वो कौन सा एक्सपेक्ट कर रहा है, 2 सीक्वेंस नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके अलावा आपके रिसीवर को और कोई वेरिएबल याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट इसे रिसीव हो गए, जैसे 2 रिसीव नहीं हुआ और 3 रिसीव हो गया, तो ऑर्डर में जो पैकेट था वो 2 था, क्योंकि वो रिसीव नहीं हुआ तो जो रिसीवर है वो क्या करेगा, 3 को भी डिस्कार्ड कर देगा कि मैं इसे बफर भी नहीं कर रहा, जब रीट्रांसमिट करोगे तो 2 से ऑनवर्ड जितने पैकेट्स हैं वो सब रीट्रांसमिट करो। री एक्नॉलेज पैकेट विद हाईएस्ट इन ऑर्डर सीक्वेंस नंबर, तो यही वही बात है कि दोबारा से आपके पास वो सीक्वेंस नंबर का पैकेट आ जाएगा। अब अगर हम एक्शन देखें गो बैक एन का, तो हमारे पास ये जो ब्लू में है ये हमारे पास है बेसिकली विंडो, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारे पास जो सेंडर विंडो है वो हमारे पास n इक्वल टू 4 है, दैट मीन 4 पैकेट एट अ टाइम आपकी जो चैनल है उस पर सेंड किए जा सकते हैं। सबसे पहले आपने 0 पैकेट सेंड किया, 1 पैकेट सेंड किया, 2 सेंड किया और 3 सेंड किया, तो 4 पैकेट आपने सेंड किए चैनल के अंदर, ठीक है। तो इस वक्त आपकी जो विंडो है वो 4 पे है, ठीक है। पहले 4 सीक्वेंस नंबर जो है उनके ऊपर हाईलाइटेड है। सो 1 जब रिसीव हुआ तो 1 की एक्नॉलेजमेंट, सॉरी 0 रिसीव हुआ तो 0 की एक्नॉलेजमेंट भेज दी गई, तो आपकी जो विंडो है वो स्लाइड कर गई, इसलिए हम इसको स्लाइडिंग विंडो भी कहते हैं। ये स्लाइड कर गई कि अब अगला जो आपको एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं, जो रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट, वो 1 की है, ठीक है। सो जब 1 रिसीव हुआ, 1 की एक्नॉलेजमेंट इसको रिसीव हुई, सो अब यहाँ से ये जो विंडो है वो स्लाइड होके 2 पे आ गई है कि अब नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर कौन सा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 2 सीक्वेंस नंबर। लेकिन जैसे ही आपकी विंडो स्लाइड हुई पहली दफा, तो 2-3 तक तो आपने सेंड किए हुए थे, 4 पे स्लाइड होके आई तो आपने 4 पैकेट भी सेंड कर दिया, जब एट अ टाइम 4 इन फ्लाइट पैकेट हो सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से जब आपकी 1 की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई तो विंडो स्लाइड होके 5 पे आ गई, तो 5 पैकेट भी सेंड कर दिया गया चैनल पे। लेकिन जब सेकेंड पैकेट को देखा गया तो पैकेट विद सीक्वेंस नंबर 2, तो ये पैकेट यहाँ पे लॉस हो गया, तो जो पैकेट यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, तो इसके बाद हमारे पास पैकेट 3 पहुंच गया रिसीवर पे, लेकिन रिसीवर ने क्या किया, इसको डिस्कार्ड कर दिया, और जो हमारे पास हाईएस्ट एक्नॉलेज पैकेट था जो कि करेक्टली रिसीव हुआ था वो क्या था, 1, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट रीसेंड कर दी गई। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 की एक्नॉलेजमेंट मौजूद थी, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट दोबारा 1 की रिसीव हुई, तो इसका मतलब है एक्नॉलेजमेंट डुप्लीकेट हो गई। तो सेंडर को पता चल गया कि 1 तक की जो एक्नॉलेजमेंट है वो मिल रही है, तो इसका मतलब है 1 तक पैकेट कंजेक्टिव रिसीव हो गए, उसके बाद जो पैकेट है दैट इज 2 वो रिसीव नहीं हुआ। तो क्या होगा, जब 2 का टाइमर, जो हमने बात की थी कि टाइमर जो काउंटडाउन टाइमर है वो ओल्डेस्ट अनएक्नॉलेज पैकेट का होता है, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट अनएक्नॉलेज पैकेट कौन है, 2। सो जब 2 का टाइमर एक्सपायर होगा तो उसके बाद 2, 3, 4 एंड 5
ये सारे पैकेट रीट्रांसमिट किए जाएंगे। हालांकि ये पैकेट सेंड किए गए थे, लेकिन एक्नॉलेजमेंट किसकी भेजी गई, वन की भेजी गई कि इन ऑर्डर पैकेट जो था वो जीरो और वन ही रिसीव हुए हैं, उसके बाद सेकंड रिसीव नहीं हुआ। क्योंकि सेकंड नहीं आया तो थर्ड भी डिस्कार्ड कर दिया गया, फोर भी डिस्कार्ड कर दिया गया, फाइव भी डिस्कार्ड कर दिया गया। तो अब क्या होगा, टू रिसीव किया जाएगा, टू डिलीवर किया जाएगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड की जाएगी। थ्री सेंड किया जाएगा, रिसीव होगा, डिलीवर होगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट। तो इन ऑर्डर आपकी एक्नॉलेजमेंट का सेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपकी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे रिसीव होगी, ये जो आपकी स्लाइडिंग विंडो है ये वन वन मूव कर रही, टू की एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी तो ये थ्री फोर फाइव सिक्स पे चली जाएगी, थ्री की रिसीव होगी तो ये फोर फाइव सिक्स सेवन पे चली जाएगी, फोर की रिसीव होगी तो ये फाइव सिक्स सेवन एट पे चली जाएगी। तो ये जो आपकी विंडो है ये स्लाइड करके अगले जो सीक्वेंस नंबर है उन पे आती जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ आर गो बैक एंड प्रोटोकॉल, विच इज द फर्स्ट पाइपलाइन प्रोटोकॉल वी हैव डिस्कस, वो काम करता है आपकी सेंडिंग और रिसीवर जो रिसीविंग साइड है उन दोनों पे। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारा सेलेक्टिव रिपीट काम करता है। सो सेलेक्टिव रिपीट में बेसिकली उसी तरह से हम एन नंबर ऑफ अनएक्नॉलेज पैकेट पाइपलाइन में सेंड करते हैं, लेकिन जैसे कि नाम से पता चल रहा है गो बैक एन का एक नुकसान क्या है हमारे पास यहाँ पे कि गो बैक एन कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। सो कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का नुकसान क्या है कि जो भी आपकी पैकेट रिसीव हुए हैं सिर्फ उनकी एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जितने भी पैकेट, चाहे एक पैकेट के लॉस के बाद चार पैकेट करेक्टली रिसीव हो जाएंगे, आपको सारे के सारे पैकेट रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे। एंड रीट्रांसमिशन का क्या बर्डन है वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि यूजर की जो बैंडविड्थ है वो भी यूटिलाइज होगी, यूजर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी यूटिलाइज होगी और रीट्रांसमिट करना उसके लिए एक हेडेक है, ठीक है। तो ये जो रीट्रांसमिशन है वो बढ़ जाएगी, लेकिन एक फायदा क्या है कि रिसीविंग साइड पे आपको बफर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैकेट रीसेंड किए जा रहे हैं, तो आपको बफर की जरूरत नहीं है। जब भी पैकेट आएगा तो टू के बाद जितने भी पैकेट हैं वो सारे सेंड किए जा रहे हैं, तो आप रिसीवर को जरूरत नहीं है कि वो याद रखे। रिसीवर सिर्फ ये याद रखेगा कि नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर कौन सा आना जरूरी है। सेलेक्टिव रिपीट में इसके ऑपोजिट है। सेलेक्टिव रिपीट में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ वही पैकेट रीट्रांसमिट करते हैं जो कि लॉस हुआ है, बाकी इन ऑर्डर ही डिलीवर किए जाएंगे, लेकिन बाकियों को बफर कर लिया जाएगा। लेट सपोज टू रीट्रांसमिट करना है तो टू रीट्रांसमिट होगा, थ्री फोर फाइव को बफर कर लिया जाएगा। जब वो टू रिसीव हो जाएगा तो जो बफर्ड पैकेट्स हैं वो आप डिलीवर करते जाएंगे एप्लीकेशन को, ठीक है। रिसीवर सेंड इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट फॉर ईच पैकेट, सेंडर मेंटेन टाइमर फॉर ईच अनएक्नॉलेज पैकेट। टाइमर जो आपका जिसका एक्सपायर होगा सिर्फ उसी को री एक्नॉलेज या रीसेंड किया जाएगा, बाकियों को रीट्रांसमिट नहीं किया जाएगा। तो देख लेते हैं इसको भी। रिसीवर इंडिविजुअली एक्नॉलेज ऑल द करेक्टली रिसीव पैकेट्स, बफर पैकेट एज नीडेड। तो ये जो रिसीवर साइड की पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि रिसीवर इंडिविजुअली हर पैकेट को एक्नॉलेज करता है, और अगर आपका पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवर हो गया तो उसे बफर कर लिया जाएगा। Sender only resend packet for which the acknowledgement not received. तो sender सिर्फ उसकी packet को resend करेगा जिसकी acknowledgement नहीं मिली, सबको नहीं send करेगा। So sender window n consecutive sequence number और limit sequence number of the send packet unacknowledged packet ही हम already discuss कर चुके जब हमने go back end को भी discuss किया। इसी तरह से जैसे हमने go back end को discuss किया उसी तरह से हमारे पास send base का एक function है और हमारे पास एक नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर का फंक्शन है। रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट जो कि बफर किए गए हैं वो ये पैकेट्स हैं, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है लेकिन अभी रिसीव नहीं है वो ग्रे में, एक्सेप्टेबल वो हमारे पास ब्लू में, और नॉट यूजेबल हमारे पास जो है वो वाइट में। अब हम देखते हैं कि सेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से और रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हमारे जो है वो काम हो रहे हैं। सेंडर पे आपके पास जो अबव लेयर है वहां से डेटा आता है, अवेलेबल सीक्वेंस नंबर अगर मौजूद है तो सेंड कर दिया जाएगा पैकेट और रीसेंड किया जाएगा अगर आपका टाइमर एक्सपायर हो गया। अगर तो एक्नॉलेजमेंट मिली है तो आप पैकेट को रिसीव मार्क कर लेते हैं, और अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली तो आप पैकेट को अनरिसीव एक्नॉलेज करते हैं और रीट्रांसमिट करते हैं उस पैकेट को। रिसीवर साइड पे पैकेट रिसीव होता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड की जाती है, और अगर आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट रिसीव हो जाए तो उसको बफर कर लिया जाता है। इन ऑर्डर पैकेट को डिलीवर करने के लिए आपको बफर करना पड़ता है, जो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट आते हैं उनको आपको बफर करना पड़ता है, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट सेंड की जाती है, और अगर आपके पास ऑलरेडी वो पैकेट मौजूद है तो आप उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि आपने उसे बफर किया हुआ। अच्छा, अब हम देखते हैं
हमारे पास जो सिलेक्टिव रिपीट है वो इन एक्शन अगर देखें तो कैसे होगा, जिस तरह हमारे पास गो बैक एन की स्लाइडिंग विंडो थी, इसकी भी स्लाइडिंग विंडो हमारे पास एन इक्वल टू फोर के इक्वल है। तो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 पैकेट इन फ्लाइट जा सकते हैं, तो हमने 4 पैकेट सेंड किए और फिर हम वेट कर रहे हैं कि उनकी एक्नॉलेजमेंट हमें मिले। तो उसी तरह से 0 रिसीव हुआ, 0 के एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी गई, 1 रिसीव हुआ, 1 की एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी गई, लेकिन 2 पैकेट दरमियान में लॉस हो गया। तो 2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी जाएगी, 3 चूंकि रिसीव हुआ तो उसको बफर कर लिया जाएगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी जाएगी। गो बैक एन में क्या था, जो आपके कंजेक्टिव पैकेट थे सिर्फ उनकी एक्नॉलेजमेंट सेंड की जा रही थी, जो आउट ऑफ ऑर्डर थे उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड की जा रही थी बल्कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जा रहा था। तो यहाँ पे डिस्कार्ड करने की बजाय उसे बफर कर लिया है ताकि रीट्रांसमिट ना करवाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि 3 को बफर कर लिया गया, इसी तरह से हमारी स्लाइडिंग विंडो आगे बढ़ती जाएगी जिस जिसकी एक्नॉलेजमेंट मिलती जाएगी, ठीक है। तो 4 और 5 भी सेंड कर लिए गए, तो 4 और 5 रिसीव होने के वक्त इनको भी बफर कर लिया गया और इनकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी गई। लेकिन जब 2 का टाइमर एक्सपायर होगा तो क्या होगा, 2 को रीट्रांसमिट किया जाएगा। 2 जब रीट्रांसमिट होगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 रिसीव हुआ, पैकेट डिलीवर हुआ, ठीक है, और पैकेट 2 अब डिलीवर होगा, उसके बाद 3, 4, 5 जो आपने बफर किए हैं वो डिलीवर होंगे और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट सेंड की जाएगी। अब जब एक्नॉलेजमेंट सेंड की जाएगी तो आपकी जो एक्नॉलेजमेंट 2 यहाँ पे रिसीव होगी तो आपका जो ये स्लाइडिंग विंडो है ये मूव करेगा 2 से, 2 भी रिसीव हो गई, 3 भी रिसीव हो गई, 4 भी रिसीव हो गई और 5 भी रिसीव हो गई। तो अब आपकी स्लाइडिंग विंडो मूव करती जाएगी 6, 7, 8 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास है सेलेक्टिव रिपीट। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर किस तरह से हमारा जो सेलेक्टिव रिपीट का प्रोटोकॉल है वो काम करेगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस नंबर है 0, 1, 2, 3, ठीक है, और हमारे पास जो विंडो साइज है वो एन इक्वल टू 3 की इक्वल है, नॉट 4, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो सेंडिंग साइड है उस पे हमने 0, 1, 2, 3 पे अपनी विंडो को रखा और हमने पैकेट 0 सेंड किया, 1 सेंड किया, 2 सेंड किया। इन तीनों पैकेट को जब ये रिसीव हुए तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि रिसीविंग साइड पे जो विंडो है वो जब 0 रिसीव हुआ तो चूंकि 0 रिसीव हो गया था तो अब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट कौन सा है, 1, ठीक है। तो हमारी स्लाइडिंग विंडो मूव करके 1, 2, 3 पे चली गई। तो अब जब 1 रिसीव हो गया तो हमारे पास स्लाइडिंग विंडो मूव करके 2 पे चली गई कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट कौन सा है, 2। जब 2 रिसीव हो गया तो हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड पैकेट है वो कौन सा है, 3। लेकिन जब हमने 3 सेंड किया तो 3 का जो 3, 0 और 1 एक्सपेक्टेड पैकेट है, जब 3 सेंड किया तो हमारे पास 1 की एक्नॉलेजमेंट, 0 की एक्नॉलेजमेंट मिली, स्लाइडिंग विंडो मूव कर गई। 2 की एक्नॉलेजमेंट मिली, स्लाइडिंग विंडो सॉरी 1 की एक्नॉलेजमेंट मिली, स्लाइडिंग विंडो मूव कर गई। अब हमने पैकेट अगला कौन सा सेंड करना है, 3 सेंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम 3 पैकेट सेंड करेंगे तो 3 पैकेट दरमियान में रस्ते में लॉस हो गया, ठीक। तो चूंकि पैकेट लॉस हो गया लेकिन स्टिल हमारे पास यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 3, 0 या 1 पैकेट में से कोई भी है। तो चूंकि सिलेक्टिव रिपीट में डिस्कार्ड नहीं किया जाता पैकेट को अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर भी रिसीव हो जाए, तो यहाँ पे अगर 0 रिसीव हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि 0 बफर कर लिया जाएगा और फिर 1 सेंड किया जाएगा तो 1 को भी बफर कर लिया जाएगा। जब 3 का टाइमर एक्सपायर होगा तो चूंकि 3 रिसीव नहीं हुआ होगा उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो भी नहीं मिली होगी तो 3 को रीट्रांसमिट किया जाएगा और जब 3 मिलेगा तो 3 डिलीवर किया जाएगा, फिर 0 डिलीवर किया जाएगा, फिर 1 डिलीवर किया जाएगा, तो इन ऑर्डर पैकेट को डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक और सिनेरियो देखें तो एक और जो सिनेरियो ये वाला है इसके अंदर हमारे पास, अच्छा ये जो कर्टन है बेसिकली ये हमें ये रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया गया है कि जो आपका सेंडर और रिसीवर है ये एक दूसरे की ये जो स्लाइडिंग विंडोज हैं इनको नहीं देख पाते, ठीक है। रिसीविंग साइड पे स्लाइडिंग विंडो कहाँ है ये रिसीवर जानता है, जो सेंडिंग साइड की स्लाइडिंग विंडो है वो सेंडिंग साइड जानती है। रिसीवर का या सेंडर का एक दूसरे की स्लाइडिंग विंडो से कोई लेना देना नहीं है। तो इनके दरमियान में आप समझ लें कि एक कर्टन होता है जो कि इनको ब्लाइंड करता है, ये सिर्फ अपनी अपनी रिसीविंग विंडो देख सकते हैं, ठीक है। तो हम अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास है 0, 1, 2, ठीक है, 3 पैकेट हमने सेंड किए, इन ऑर्डर रिसीव हो गए। अब यहाँ पे जब पैकेट रिसीव हो गए तो तीनों की एक्नॉलेजमेंट जो है वो लॉस हो गई। तो रिसीविंग साइड पे पैकेट रिसीव हो चुके हैं लेकिन बताया ये जा रहा है कि हाँ चूंकि टाइमर एक्सपायर होगा 0, 1 और 2 का, तो तीनों का टाइमर एक्सपायर हुआ तो पता ये चला कि ना 0 रिसीव हुआ, ना 1 रिसीव हुआ, ना 2 रिसीव हुआ, तीनों पैकेट रिसीव नहीं हुए।
तो क्या होगा, आपका जो सेंडर है चूंकि देख तो सकता नहीं है वो कि कर्टन के उस पार जो स्लाइडिंग विंडो है रिसीवर की वो कहाँ पे है, तो ये क्या समझेगा कि 0, 1 और 2 पैकेट को रीट्रांसमिट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3, 0 और 1 पैकेट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तो जब यहाँ से 0, 1, 2 पैकेट सेंड किए जाएंगे तो वो ये समझेगा कि ये पैकेट नया सेंड किया है जो कि 0 एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जबकि इसने ओल्ड पैकेट को रीट्रांसमिट किया है। तो यहाँ पे रिसीवर समझेगा कि नया पैकेट भेजा जा रहा है जबकि सेंडर ने पुराना पैकेट भेजा, ठीक है। सो ओल्ड पैकेट विल बी एक्सेप्टेड एज अ न्यू पैकेट, सो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो रिसीवर सी नो डिफरेंस इन द टू सिनेरियोस, डुप्लीकेट डेटा जो सेंड किया जा रहा है इट वुड बी एक्सेप्टेड एज अ न्यू इन सिनेरियो बी व्हिच इज अ प्रॉब्लम। So what is the relationship between the sequence number and the window size to avoid the problem in B? So this is the answer you have to search for, कि इसका जो हमारे पास ये जो current dilemma है जिसके अंदर हमने B को discuss किया, पहले के अंदर तो कोई problem नहीं है, B के अंदर एक problem है, उसको किस तरह से हमें encounter करना है, इसका relationship क्या होता है sequence number और जो window size है, इनका relationship क्या है, ये हमें डिस्कस करना है और ये हमें सर्च करना है, ठीक है। सो अगर मैं रिलेशनशिप बताऊं तो आपने जो सीक्वेंस नंबर और विंडो साइज है उसके दरमियान में मोर देन वन का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप देखें तो हमारे पास स्लाइडिंग विंडो कितनी है, 3 की, ठीक है। जो विंडो है वो 3 साइज 3 है और जो हमारे पास सीक्वेंस नंबर है वो हमारे पास 4 है। सो 4 और 3 के दरमियान में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। सो अगर आपके पास सीक्वेंस नंबर ज्यादा होते और स्लाइडिंग विंडो आपने 3 की, लेट सपोज सीक्वेंस नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाते, ठीक है, और आपके पास जो स्लाइडिंग विंडो है वो 3 की होती, तो डिफरेंस वुड बी ग्रेटर देन 1। सो आपके पास ये जो प्रॉब्लम है इसको अवॉइड किया जा सकता है। सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि सिलेक्टिव रिपीट और गो बैक एंड किस तरह से बेटर है एज कंपेयर टू स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, और कौन जो पाइपलाइन प्रोटोकॉल्स हैं वो किस तरह से परफॉर्मेंस में बेहतर हैं एज कंपेयर टू स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।